प्रोग्राम बेस्ड ऑन काउंट ऑपरेशन और जस्ट प्रिंट ऑपरेशन, इसके से जस्ट परफॉर्म क्या कराना है, सी प्रोग्राम टू फाउंड कॉन्सिक्यूटिव ऑकरेंस ऑफ एनी वॉवेल इन अ गिवन स्ट्रिंग। फॉर एग्जांपल सपोज अगर आपके पास कोई स्ट्रिंग अवेलेबल है, देन स्ट्रिंग के अंदर जस्ट काउंट क्या करना है, जस्ट काउंट भी करा सकते हो, डिस्प्ले भी करा सकते हो। दोनों ही केसेस में एग्जैक्टली लॉजिक सेम रहेंगे, जस्ट मैं इस केस में डिस्प्ले कराऊंगा। क्लियर, सेम है, डिस्प्ले कराने के साथ साथ काउंट भी परफॉर्म कराएंगे, लेकिन इस केस में काउंट क्या कराना, जस्ट कॉन्सिक्यूटिव ऑकरेंस ऑफ टू वॉवेल्स इन अ गिवन स्ट्रिंग। फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट वी आर हैविंग स्ट्रिंग एज लाइक दैट यूरोपियन, अगर आपके पास कोई स्ट्रिंग अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ एरे ऑफ कैरेक्टर्स यूरोपियन, यूरोपियन के रिस्पेक्ट में जस्ट बात, अगर आपके पास कोई गिवन स्ट्रिंग है, फर्स्ट इस केस में वॉवेल्स की बात करें तो वॉवेल्स क्या होंगे, आई ए ई आई ओ यू, सेम एज वॉवेल्स मे बी इन लोअर केसेस, लोअर केसेस के रिस्पेक्ट में अगेन सेम केस ए ई आई ओ यू। टोटल वॉवेल्स काउंट करें तो कितने एग्जैक्टली 5, जैसे स्ट्रिंग के अंदर ई यू, ई और यू का ऑकरेंस कैसा है, जस्ट कॉन्सिक्यूटिव, तो इसको काउंट करेंगे एज 1, और इस केस में जस्ट करेस्पॉन्डिंग आप आउटपुट डिस्प्ले करा सकते हो ई एंड यू। सेकेंड केस, नेक्स्ट टाइम टेस्ट केस के लिए सबसे पहले फर्स्ट और सेकेंड के लिए टेस्ट करेंगे, फर्स्ट और सेकेंड मीन्स 0 एंड 1 इंडेक्स। क्लियर, नेक्स्ट 0 और 1 इंडेक्स कैसे हैं इस केस में, जस्ट 0 1 2 3 4 5 6 7, जस्ट इस केस इस ऑपरेशंस के बेसिस पर इंप्लीमेंट क्या करेंगे, लॉजिक्स, लॉजिक के स्टार्ट से इंप्लीमेंट करो। सबसे पहले चेकिंग किसके लिए हो रहा है, 0 एंड 1, नेक्स्ट टाइम चेकिंग किसके लिए करेंगे, यू एंड आर, यू के रिस्पेक्ट में इंडेक्स क्या है 1 और आर का इंडेक्स क्या है जस्ट 2। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट केस में चेक किस क्लिक करेंगे, आर एंड ओ, आर एंड ओ, आर क्या है इस केस में कंसोनेंट, ओ क्या है इस केस में जस्ट वॉवेल, तो इस केस में आपको प्रिंट कराने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट टाइम काउंट किस क्लिक करोगे, नेक्स्ट टू कॉन्सिक्यूटिव लेटर्स ओ एंड पी, ओ एंड पी के रिस्पेक्ट में आप करें जस्ट इसके इंडेक्स, इसके इससे जस्ट पहले प्रीवियस इंडेक्स क्या था, आर एंड ओ, आर का इंडेक्स क्या था 2 एंड 3, नेक्स्ट टाइम 3 एंड 4, नेक्स्ट टाइम 4 एंड 5 एंड सो ऑन। क्लियर, स्टार्ट से सर्चिंग परफॉर्म कराएं तो नेक्स्ट टाइम ओ पी के जस्ट बाद सर्च किस क्लिक करें, पी एंड यू, देन ई एंड ओ, ई एंड ओ अगेन किस टाइप के कैरेक्टर्स हैं वॉवेल्स, तो इस केस में जस्ट इसको भी डिस्प्ले करा सकते हो ई एंड ओ। नेक्स्ट टाइम सर्चिंग किस क्लिक करोगे, जस्ट ओ एंड एन, नॉट फाउंड इस केस में जस्ट जैसे ही नल मिलेगा, नेक्स्ट टाइम सर्चिंग किस क्लिक हुआ, एन एंड नल कैरेक्टर, एन एंड नल कैरेक्टर, तो पॉसिबल केस क्या होंगे, कॉम्बिनेशन 5 6 एंड 6 7 एंड फाइनली 7 8। क्लियर, दीज आर पॉसिबल केसेस। इस केस में जस्ट अगर इंडेक्सेस की बात करें, इस पर्टिकुलर टर्म को मैनेज किससे करेंगे, जस्ट इन द फॉर्म ऑफ आई, अगर स्ट्रिंग के अंदर टोटल 7 कैरेक्टर्स हैं अप टू 7 0 टू 7, नेक्स्ट वन कंपेरिजन किससे कराओगे, नेक्स्ट टर्म को आप कंसिडर करोगे जस्ट I प्लस 1। एवरी टाइम आपको चेक करना टू कॉन्सिक्यूटिव कैरेक्टर्स वॉवेल्स है कि नहीं, देन उस केस में जस्ट इफ कंडीशन क्या बनेगा, इस केस में इफ a ऑफ I और इज वॉवेल, जस्ट कंडीशन क्या अप्लाई करोगे, इज वॉवेल, सपोज दैट आपके पास कोई फंक्शन अवेलेबल है इज वॉवेल, इस केस में सप्लाई क्या करेंगे a ऑफ i, अगर a ऑफ i वॉवेल है देन नेक्स्ट केस में एंड शुड बी इज वॉवेल ऑफ, नेक्स्ट केस में चेकिंग किस क्लिक करो, सेम चेकिंग अप्लाई करेंगे ऑल्सो फॉर नेक्स्ट एलिमेंट, और नेक्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या रहेगा ऑलवेज i प्लस 1। अगर ये दोनों ही कंडीशन ट्रू है देन इस केस में जस्ट डिस्प्ले क्या करा लोगे, प्रिंट एफ a ऑफ i एज वेल एज a ऑफ i प्लस 1। क्लियर, जस्ट आई प्लस वन, दिस इज द जस्ट सिंपल लॉजिक्स आई प्लस वन। अगर आपको काउंट करने के लिए मीन से प्रिंट करने के लिए बोला गया देन प्रिंट एप के थ्रू इस टाइप से डिस्प्ले करा सकते हो, अदरवाइज दूसरा ऑपरेशन क्या रहेगा, अगर आपको काउंट करने के लिए बोला गया देन जस्ट इस केस में परफॉर्म क्या कराएंगे, इंक्रीमेंट इन काउंटर वैल्यू, मीन्स दोनों ही केस पॉसिबल है, जस्ट मैं इस केस में डिस्प्ले कराऊंगा। क्लियर, तो उसके जैसे गिवन स्ट्रिंग के अकॉर्डिंग इसके डिस्प्ले क्या हो जाएगा गिवन। नेक्स्ट अनदर स्ट्रिंग समथिंग ए आई ट्रिपल ई, ए आई ट्रिपल ई के रिस्पेक्ट में बात करें, अगेन ए क्या है इस केस में वॉवेल, मीन्स इसको मीन्स फर्स्ट कॉम्बिनेशन क्या डिस्प्ले हुआ इस केस में ए आई, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन आई एंड ई दोनों ही क्या है अगेन वॉवेल, तो डिस्प्ले क्या करा हुआ आई एंड ई, सेम है नेक्स्ट वन ई ई, नेक्स्ट वन अगेन ई ई,
This is the expected output according to given string. Clear? तो इस केस में जस्ट आप वॉवेल के केसेस में जस्ट परफॉर्म क्या करा रहा है, चेकिंग. तो चेकिंग परफॉर्म करने में आप एवरी टाइम चेक करो गिवन कैरेक्टर वॉवेल है कि नहीं. अगर वॉवेल है देन ओनली आप ऑपरेशन से अप्लाई. तो वॉवेल को चेक करने के लिए मैं सेपरेट फंक्शन क्रिएट करूंगा एज अ इज वॉवेल फंक्शन एज अ असिस्टेंट फंक्शन. देन इसके अलावा एन अदर फंक्शन क्रिएट करेंगे एज अ प्रिंट कॉन्सिक्यूटिव वॉवेल्स. ये टोटल इस केस में टू फंक्शंस क्रिएट कर रहे हैं. या फिर अगर आप कोई फंक्शन क्रिएट नहीं करना चाहते देन सिंगल प्लेस पर भी लॉजिक से इंक्लूड करना पॉसिबल. लेकिन बेटर आईडी क्या रहे गो थ्रू सेपरेट फंक्शन. तो सेपरेट फंक्शन फर्स्ट केस में इज वॉवेल फंक्शन का रिटर्न टाइप का यूज करेंगे. इज वॉवेल से रिटर्न क्या हो, या तो गिवन कैरेक्टर वॉवेल हुआ या नहीं हुआ. अगर वॉवेल है देन रिटर्न क्या कराओ, ट्रू ट्रू मीन्स वन. अगर वॉवेल नहीं है देन रिटर्न क्या कराएंगे, फॉल्स फॉल्स मीन्स जीरो. इससे या तो वन रिटर्न कराएंगे या जीरो, इसलिए रिटर्न टाइप का यूज करोगे इस केस में जस्ट इंटीजर. फंक्शन नेम है इज वॉवेल. इज वॉवेल फंक्शन के अंदर आप चेक क्या करो, उसका पर्पज क्या है, चेकिंग गिवन कैरेक्टर इज वॉवेल और नॉट. इसलिए इस फंक्शन का आर्गुमेंट टाइप क्या है, कैरेक्टर है और सिंपली ओनली कैरेक्टर टाइप. ओनली कैरेक्टर टाइप बिकॉज एट ए टाइम ओनली सिंगल कैरेक्टर टेस्ट करेंगे. नेक्स्ट वन, इस केस में जस्ट आप इफ कंडीशन इंप्लीमेंट करो. इफ कंडीशन के अंदर टोटल सी एच के केस में पॉसिबल केस कितने होंगे, 10 केसेस. क्योंकि वॉवेल टोटल वॉवेल्स अपर और लोअर केस दोनों मिला के टोटल वॉवेल्स कितने होंगे 10. इसलिए कंडीशंस कितने अप्लाई करोगे, 10 कंडीशन. दूसरा चॉइस क्या आपके पास, ओनली सिंगल कंडीशन इज ऑल्सो सफिशियंट. अगर आप सिंगल कंडीशन के थ्रू परफॉर्म कराना चाहते हो तो इस केस में सबसे पहले मैं एक कैरेक्टर एरे क्रिएट कर रहा हूँ, कैर लाइक दैट. कैरेक्टर एरे के केस में असाइन क्या करेंगे, जस्ट ऑल पॉसिबल वॉवेल्स ए ई आई ओ यू. नेक्स्ट वन स्मॉल ए स्मॉल आई और स्मॉल ई ओ यू. टोटल इस केस में लेंथ क्या है इसका, 10. लेंथ इज 10 ऑलरेडी फिक्स्ड है, श्योर है. मीन्स टोटल 10 वॉवेल्स, इसलिए आपको काउंट कराने की जरूरत ही नहीं. डायरेक्टली इस केस में जब भी लेंथ रिक्वायर्ड हो लेंथ क्या रहेगा एज अ 10. नेक्स्ट वन जस्ट इस केस में मीन्स सी एच का वैल्यू मैच किससे कराओ, गिवन ऑल कैरेक्टर. सी एच का वैल्यू मैनेज किससे करोगे, मैच किससे कराओ, गिवन ऑल कैरेक्टर्स. देन इस पर्टिकुलर केस में जस्ट इटरेटिव वेरिएबल यूज करेंगे एज अ आई. फॉर लूप आई इक्वल्स टू जीरो एंड आई लेस देन 10. क्योंकि टोटल पॉसिबल केस कितने, 10 कंपेरिजन्स. आई प्लस प्लस, या तो आप 10 कंडीशन इफ कंडीशन में सप्लाई करो या फिर इस टाइप का अल्टरनेटिव कोड भी यूज कर सकते, दोनों केस वैलिड हैं. नेक्स्ट इस केस में जस्ट फॉर लूप के अंदर परफॉर्म क्या कराएंगे, इफ कंडीशन. अगर सी एच और सी एच का वैल्यू अगर ए ऑफ आई, इस केस में एरे नेम पास करना भूल गया हूँ, जस्ट ए. एरे नेम क्या इस केस में, जस्ट ए. सी एच का वैल्यू एरे के अंदर सभी कैरेक्टर से मैच करा. अगर एक भी कैरेक्टर से मैच होता है, अगर ए ऑफ आई के किसी भी वैल्यू से मैच होता है, इसका मीनिंग क्या, सी एच इज वॉवेल. वॉवेल है तो इमीडिएटली इसके इसमें रिटर्न क्या करा देंगे, रिटर्न वन मीन्स ट्रू. क्लियर? अदरवाइज अगर कंट्रोल लूप से बाहर आ चुका है, इसका मतलब सी एच किसी वैल्यू से मैच नहीं हुआ, देन रिटर्न क्या कराओगे, जस्ट रिटर्न फॉल्स. रिटर्न फॉल्स, फॉल्स मीन्स जस्ट जीरो. मीन्स इस फंक्शन का जस्ट बिहेवियर या वर्किंग या पर्पज क्या है, चेकिंग गिवन कैरेक्टर वॉवेल और नॉट. इस सेम फंक्शन का अल्टरनेटिव कोड भी राइट कर सकते हो विदाउट यूजिंग लूप और विदाउट यूजिंग एरेस, जस्ट सिंपल कोड. मीन्स जस्ट इसी फंक्शन का अल्टरनेटिव कोड क्या यूज करोगे, इज वॉवेल देन केयर सी एच. देन इसके इसमें मीन्स टोटल कितने कंडीशन से अप्लाई करेंगे, 10 कंडीशन. डायरेक्टली रिटर्न करा दो विदाउट यूजिंग इफ और एल्स कंडीशंस. रिटर्न अगर सी एच का वैल्यू, इफ सी एच इक्वल इक्वल्स टू कैपिटल ए और सी एच इक्वल इक्वल्स टू स्मॉल ए और सी एच इक्वल इक्वल्स टू कैपिटल ई और सी एच इक्वल इक्वल्स टू जस्ट स्मॉल ई एंड इस टाइप से टोटल कितने कंडीशन आ जाएंगे, 10 कंडीशन. टर्मिनेट कैसे करो, फाइनली
सेमीकोलन से मीन्स इस कंपेरिजन की किस्म से इस लॉजिक से भी जस्ट टेस्ट क्या हो रहा है गिवन कैरेक्टर इज वॉवेल और नॉट मीन्स सी एच के लिए अगर ये एक भी कंडीशन ट्रू होता देन और ऑपरेटर के केस में ओवरऑल रिजल्ट क्या रिटर्न होगा ट्रू अगर एक भी कंडीशन मैच नहीं कर रहा देन रिजल्ट इज फॉल्स तो इस केस में रिटर्न क्या हुआ आइदर वन और आपको कोई भी इफ एल्स कंडीशन या अदर कंडीशन राइट डाउन करनी जरूरत नहीं मीन्स दोनों ही वैलिड केस हैं फॉर सेम पर्पज मीन्स दोनों ही फंक्शन से एक्जैक्टली सेम टास्क परफॉर्म होना चेकिंग गिवन कैरेक्टर इज वॉवेल और नॉट मीन्स इसके अलावा भी कई सारे पॉसिबल लॉजिक्स हैं क्लियर नेक्स्ट वन लेकिन फाइनली आपको टेस्ट क्या करना है कॉन्सिक्यूटिव ऑकरेंस ऑफ टू वॉवेल्स तो इस पर्टिकुलर पर्पज के लिए जस्ट इस फंक्शन को मैं इंप्लीमेंट कर चुका हूँ आप कॉपी कर सकते हो जस्ट इसको मैं इरेज कर रहा हूँ नेक्स्ट वन फाइनली फंक्शन क्या क्रिएट करना है इसके इसमें कॉन्सिक्यूटिव ऑकरेंस मीन्स इसके इसमें रिटर्न टाइप यूज करेंगे एज अ वर्ड क्योंकि इस फंक्शन से कोई वैल्यू रिटर्न नहीं हुआ देन प्रिंट कॉन्सिक्यूटिव ऑकरेंस देन सप्लाई क्या करोगे ऑलवेज रिक्वायर्ड स्ट्रिंग इसलिए आर्गुमेंट टाइप यूज करोगे कैर स्टार ए हेयर ए इज अ पॉइंटर वेरिएबल देन इस एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स सभी एलिमेंट्स को विजिट करने के लिए जस्ट यूज क्या करेंगे लूपिंग स्टेटमेंट तो लूप को मैनेज करने के लिए एक और एक्स्ट्रा वेरिएबल क्रिएट किया जाए आई इक्वल्स टू और प्लस अगर आप चाहते हो इसमें वॉवेल्स को काउंट कराना है कॉन्सिक्यूटिव ऑकरेंस देन ये काउंटर वेरिएबल यूज किया मैंने जाए सी इक्वल्स टू जीरो नेक्स्ट वन स्ट्रिंग को ट्रेवर्स करने के लिए जस्ट लूप अप्लाई करेंगे आई इक्वल्स टू जीरो लूप कब तक चलाओ जब तक आई का वैल्यू नल नहीं हो जाता है देन आई प्लस प्लस नेक्स्ट वन इसके जस्ट और जब भी कंट्रोल इस प्लेस पर एंटर होगा सारे ऑपरेशन किसके रिस्पेक्ट में अप्लाई करोगे ए ऑफ आई एनी टाइम रिप्रेजेंट क्या करेगा सिंगल कैरेक्टर फ्रॉम अ गिवन स्ट्रिंग देन इस केस में कंडीशन अप्लाई करेंगे इफ सबसे पहले टेस्ट करोगे ए ऑफ आई वॉवेल है कि नहीं अगर ए ऑफ आई वॉवेल है देन चेक किसके लिए करोगे नेक्स्ट जस्ट मैंने अभी आपको बताया था अब चेकिंग किसके लिए करोगे जस्ट प्रीवियस केस मैंने जस्ट स्ट्रिंग यूज किया था एज अ यूरोपियन इन दैट स्ट्रिंग देन नल टर्मिनेट कैसे हो नल से तो फर्स्ट केस में इंडेक्स क्या है जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और सेवन तो सबसे पहले चेकिंग किसके लिए करेंगे जीरो एंड वन अगर जीरो और वन पोजिशन में दोनों ही पोजिशन में अगर वॉवेल्स अवेलेबल हैं देन इस सिक्वेंस को जस्ट डिस्प्ले करा नेक्स्ट टाइम टेस्ट किसके लिए करोगे नेक्स्ट टू फर्स्ट टाइम क्या टेस्ट किया था ई एंड यू नेक्स्ट टाइम टेस्ट किसके लिए करोगे यू एंड आर तो यू का इंडेक्स क्या है वन और आर का इंडेक्स क्या है जस्ट टू नेक्स्ट टाइम टेस्ट करेंगे आर एंड ओ आर का इंडेक्स क्या है इसके इसमें टू एंड ओ का इंडेक्स क्या है थ्री नेक्स्ट टाइम ओ एंड पी ओ का इंडेक्स क्या है थ्री एंड पी का इंडेक्स क्या है फोर सिमिलरली पी एंड ई पी का इंडेक्स क्या है इसके इसमें फोर एंड फाइव सेम एज ई एंड एन यहाँ ने टाइपिंग मिस्टेक किया है जस्ट इसका स्पेलिंग क्या रहेगा लाइक दैट क्लियर देन फाइनली नेक्स्ट प्लेस पर क्या आएगा नल एट एट्थ प्लेस नेक्स्ट टाइम चेकिंग किस लिए हुआ ई एंड ओ तो ई एंड ओ के सीक्वेंस की बात करें ये अगेन कैसा है वॉवेल्स तो सीक्वेंस को अगेन प्रिंट करा तो इसके इसमें वैलिड सीक्वेंसेस क्या हैं जीरो वन और फाइव सिक्स रिमेनिंग केसेस में आपको प्रिंट कराने की जरूरत नहीं लेकिन इस केस में जस्ट आप इस केस में अगर ऑब्जर्व करोगे देन इस सीरीज को मैनेज किससे कराएंगे आई से और नेक्स्ट सीरीज चेकिंग किससे कराओगे आई प्लस वन के फॉर्म में तो इस केस में आपको आईथ प्लेस का भी एलिमेंट चेक करना प्लस आई प्लस वन प्लेस का भी एलिमेंट चेक करना अगर दोनों ही कॉन्स्टिट्यूटिव प्लेसेस पर वॉवेल है देन ओनली आप काउंटिंग कराओगे या फिर डिस्प्ले कराओ तो इस केस में जस्ट वॉवेल चेक करने के लिए ऑलरेडी फंक्शन क्रिएट कर लिया जस्ट कोड को रीयूज करने के लिए जिससे कोड बार बार रिपीट ना हो इज वॉवेल इज वॉवेल में मैं सबसे पहले टेस्ट किस लिए करना है आईथ प्लेस के लिए वो आईथ प्लेस कैसे रिप्रेजेंट होगा ए ऑफ आई से ए ऑफ आई नेक्स्ट वन अगर ए ऑफ आईथ प्लेस पर वॉवेल फाउंड हो रहा है कंडीशन क्या देगा ट्रू देन ट्रू है देन आपको जस्ट नेक्स्ट प्लेस पर भी चेक करने की जरूरत है इसलिए अप्लाई क्या करोगे एंड कंडीशन मीन्स ट्रू होने के लिए दोनों ही प्लेसेस पर वॉवेल होना चाहिए इसलिए अप्लाई क्या करो एंड और एंड क्योंकि दोनों ही कंडीशन कैसे होना चाहिए शुड बी ट्रू इसलिए अप्लाई क्या करेंगे अगेन वन मोर टाइम्स इज वॉवेल और इज वॉवेल के अंदर पास क्या करेंगे नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ आईथ प्लेस ए ऑफ आई प्लस वन जस्ट क्लोज दैट
देन आप इफ के अंदर डिस्प्ले भी करा सकते हो सिक्वेंस को, डिस्प्ले कराने के साथ साथ काउंट भी करा सकते हो, दोनों ही पॉसिबल केस है। तो डिस्प्ले कराने के लिए जस्ट यूज क्या करेंगे, परसेंट सी एंड परसेंट सी, देन डिस्प्ले क्या कराना है, आईथ प्लेस एज वेल एज ए ऑफ आई प्लस वन, ये दोनों ही प्लेसेस के कैरेक्टर डिस्प्ले हो जाए। जस्ट मैंने काउंटर भी यूज किया, आप चाहो तो काउंट भी करा सकते हो बाय यूजिंग सी प्लस प्लस। मीन्स अगर आपको किसी एग्जाम में केवल डिस्प्ले कराने के लिए बोला जाता है देन आप सी प्लस प्लस को रिमूव कर दो, ओनली क्या यूज करो प्रिंट एफ। सिमिलरली अगर काउंट करने के लिए बोला जाता है देन आप सिंपली ओनली यूज क्या करो सी प्लस प्लस। फाइनली इस फंक्शन से रिटर्न क्या कराओगे इस केस में, वैल्यू ऑफ सी और वैल्यू ऑफ काउंटर, काउंटर का वैल्यू क्या है जस्ट इस केस में, काउंटर केस में मैंने लिखा वेरिएबल सी में। तो फाइनली इस फंक्शन से रिटर्न क्या कराओगे, एंड ऑफ दैट पेज रिटर्न सी। देन सिचुएशन में आपको फंक्शन का रिटर्न टाइप यूज करना हुआ जस्ट इंटीजर, मीन्स इस फंक्शन से दोनों ही ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, प्रिंट भी हो रहा है प्लस प्रिंट होने के साथ साथ काउंटिंग भी सेंड हो रहा है, क्लियर। देन रिक्वायर्ड प्लेस पर इस फंक्शन को यूज करके या कॉल करा के आपके लिए ऑपरेशन टेस्ट करना पॉसिबल है।